उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई है, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब शिक्षकों के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट से नहीं बल्कि छात्रों के वार्षिक परीक्षा रिजल्ट और वार्षिक उपस्थिति के मानकों के आधार पर दी जाएगी। अगर छात्रों का परीक्षा फल सही नहीं रहा तो वार्षिक प्रविष्टि भी परीक्षा फल के मुताबिक दी जाएगी। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षा फल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं, तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षा फल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा।